तो दोस्तों, अगर आप भी न्यू बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको रिवर्सिबल टेप के बारे में बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे रिवर्सिबल टेप क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, सिलाई करने वालों के लिए कितने तरीके से ये रिवर्सिबल टेप काम में आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको ये रिवर्सिबल टेप थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा, पहले आप देख लीजिए और समझ लीजिए। देख सकते हैं ये होता है रिवर्सिबल टेप। तो दोस्तों, ये दोनों तरफ से चिपकता है। जब हम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये मिलता कहाँ है। तो जहाँ पर जेंट्स टेलरिंग मटेरियल मिलता है, जहाँ पर कोट पैंट का मटेरियल मिलता है, वहाँ पर आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अगर आप तुरपाई से बचना चाहते हैं तो इस रिवर्सिबल टेप की मदद से तुरपाई से कैसे बचें। जैसे कि कई बार हम बहुत जल्दी में हैं, इमरजेंसी में हैं, कहीं जल्दी में जाना होता है और हमारा सूट स्टिचिंग किया हुआ है, तो अगर हम हाथ वाले सुई से तुरपाई करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इस रिवर्सिबल टेप की मदद से बिना निडल के आप तुरपाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक ट्रिक्स और बताएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त और काम की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सूट है, इस पर हमको तुरपाई करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा दामन घेरा है, जिसको हम बॉटम भी कहते हैं, तो हमें आपको इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखिए, ये हमारा सूट मान लीजिए स्टिच करा हुआ है, तो उसके बाद हम इस तरीके से खोलेंगे इसको और हम उल्टी साइड में चलते हैं। हमने चाक दामन पर कच्चा नहीं डाला है और हमने इस तरीके से उल्टी साइड में पहले घेरे को मोड़ना है प्रेस की मदद से। ये जो हमने कट लगाए होते हैं साइड से, तो इन कट के बराबर से हम इस तरीके से सूट का दामन मोड़ेंगे पहले। उसके बाद हम आपको एक ट्रिक्स और बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दामन को इस तरीके से पहले मोड़ लेना है, ये देखें। उसके बाद हम इस तरीके से मोड़ेंगे, ये देखें। इस तरीके से भी आप मोड़ सकते हैं एंड तक इस तरीके से, और आप चाहें तो यहाँ रखकर भी इस तरीके से ही मोड़ सकते हैं इसको पहले, ये देखें। ये जो कपड़े की किनार है, इस किनार से हमने इस तरीके से चौक से निशान लगा लेने हैं, तीन चार निशान लगा देंगे इस तरीके से आप, ये। उसके बाद हम इसको इस तरीके से हटाएंगे, ये देखें। अब हम रिवर्सिबल टेप ले लेंगे। तो दोस्तों, ये टेप दोनों तरफ से चिपकने वाला होता है, इसीलिए इसको रिवर्सिबल टेप कहते हैं, ये देखें। इस तरीके से रखेंगे तो ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन निशान से हमने थोड़ा सा एक सूत अंदर के लिए रखना है और यहाँ से कट कर देंगे हम। उसके बाद इस तरीके से हम दोबारा से लेकर आएंगे, तो देख सकते हैं रिवर्सिबल टेप को हमने फिट कर दिया है बिल्कुल सफाई के साथ। अब क्या करेंगे, हम प्रेस को इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल और आसान है। हमने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है इस तरीके से और हम पीछे से लगाएंगे। इतनी मजबूती के साथ चिपक जाता है कि यहाँ से ये रिवर्सिबल टेप कभी भी नहीं हटेगा और कपड़ा हमेशा चिपका रहेगा यहाँ पर, ये देखें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल ताकत के साथ खींचूंगा तो भी ये खींचने वाला नहीं है, बहुत ही मजबूती के साथ ये चिपक चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं इस तरीके से खींच रहा हूँ इसको, ये देखें। अब आप सीधी साइड से देखेंगे तो दोस्तों, देखने में कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुरपाई नहीं की गई है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखने में ये लग रहा है कि इस पर तुरपाई की गई है बहुत ही सफाई के साथ। तो आप इस बात की टेंशन ना करें, ये कभी भी छूटने वाला नहीं है यहाँ से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में चिपक जाता है, आप देख सकते हैं, ये देखें। तो बिल्कुल तुरपाई जैसा ही लग रहा है। तो इसी तरीके से आप सूट के चाक मोड़ लेंगे, जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है। अब मैं आपको बहुत ही स्पेशल फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब हम सूट की स्टिचिंग करते होते हैं, सिलाई करते होते हैं, तो कभी कभी हमसे खुद ही गलती से सूट कट जाता है। तो कभी आरमोल मुड्ढे के पास से भी कट लग जाता है, कभी कभी गले के पास कट लग जाता है, कभी चाक या दामन पे कहीं भी कट लग जाता है। और अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो आपसे कभी भी कहीं भी कट लग सकता है। तो उसका सॉल्व कैसे करें, वो प्रॉब्लम कैसे सही करें, ताकि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चले कि यहाँ पर पहले कभी कट भी था। तो इसी रिवर्सिबल टेप की मदद से हम आपको बताएंगे उस कट को कैसे सही करें, यानी कि रफू का काम करेगा, जिसको हम रफू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सिलाई मशीन की या निडल सुई की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस रिवर्सिबल टेप की मदद से हम उस कट को सही करेंगे। तो देखिए, उसके लिए क्या करना होगा। मान लीजिए हम ये सूट सिल रहे हैं और ये सूट का चाक है और यहाँ पर हमसे कट लग गया। जैसे कि मैं आपको कट लगा कर दिखा देता हूँ, तो देखिए ये हमसे कट लग गया, मान लीजिए गलती से हमसे कट लग गया, ठीक है। तो अब हमें कैसे सही करना है, इसको उल्टी साइड में आना है, ये देखें, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो पहले तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल मिलाकर, और यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर।
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए, जितना बड़ा हमारा कट लगा है उस कट के हिसाब से हमने रिवर्सिबल टेप ले लेना है, थोड़ा सा आधा इंच बढ़ाकर हमने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह, आप चाहें तो उसको और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। ये देखें, मैं और पतला कर देता हूँ इसको, ये देखें। उसके बाद हमने जो रिवर्सिबल टेप का टुकड़ा लिया है इसी के बराबर हमको एक कपड़े का टुकड़ा ले लेना है, यानी इससे थोड़ा बढ़ाकर रखेंगे। चौड़ाई में भी थोड़ा आधा इंच बढ़ाकर रखना है और लंबाई में भी आधा इंच बढ़ाकर रखना है हमें। तो ये देखें, इस तरीके से हमने सूट के कलर का कपड़ा ले लिया। ठीक, तो देख सकते हैं ये जो हमारा कट लगा है, इस कट के नीचे हम इस तरीके से इस रिवर्सिबल टेप के टुकड़े को रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, आप चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद ये कपड़े का टुकड़ा है, इसको इस रिवर्सिबल टेप को हम छिपा देंगे इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हमने गर्म प्रेस रख देनी है इसके ऊपर से। तो वीडियो में एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे। तो अभी मैं आपको सीधी साइड से भी दिखाता हूँ, ये देखें। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस कपड़े का भी पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में चिपक गया है। अब मैं आपको सीधी साइड से दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, यहाँ से भी बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर बिना सिलाई मशीन के और बिना नीडल के हमने ये रफू कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।